नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल NIOS तेरेड अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए सैम्पल क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, दैट इज़ 501 का सेक्शन बी का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक आज लेकर आए हैं। तो चलिए अभी हम लोग ये आंसर सब सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियोस में अगर आपने देखा होगा, तो हम लोगों ने 501 का सेक्शन ए जो 10 मल्टीपल्स चॉइस क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने दे दिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। उसके बाद सेक्शन बी से 5 क्वेश्चन हमने दे दिया था। अभी हम लोग सेक्शन बी का जो 16 से क्वेश्चन नंबर 20 तक है वो देंगे। तो चलिए हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है 16, स्टेट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बी आर सीज एंड सी आर सीज इन डेवलपिंग एलिमेंटरी एजुकेशन। तो बी आर सी और सी आर सी जो है उन लोगों का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको बोलना है, वो भी 150 वर्ड्स में लिखना है। दोस्तों आप लोग जब आंसर लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा, उन लोगों ने मैंशन करके दिया है कि 5 मार्क्स के लिए आप लोगों को 150 वर्ड्स में ही आंसर कंप्लीट करना है। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि 150 के अंदर ही लिखना। तो चलिए, और हाँ, ऑलवेज पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, ज़्यादा एलेबोरेट करने की मतलब ज़रूरत ही नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट लिखिए और आप लोग को पॉइंट वाइज लिखने से अच्छा मार्क्स भी आप लोग को मिलेगा। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बी आर सीज आर एज फॉलोज। नंबर 1, टू प्रोवाइड एडुकेट एकोमोडेशन एंड इक्विपमेंट टू प्राइमरी स्कूल। Number 2, to carry out current repairs of the school buildings and, if authorized, also to carry out special repairs and to construct new buildings. Next 3, to exercise such supervision over the schools as may be prescribed. Point 4 is to be responsible for the enforcement of compulsory attendance with its area. पॉइंट 5, टू अरेंज वेन एवर पॉसिबल मिड डे मील्स टू चिल्ड्रन। तो आपने देखा कि ये रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बी आर सीज है। नेक्स्ट मूव टू द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सी आर सीज। द रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सी आर सीज आर एज फॉलोज। तो पॉइंट नंबर 1, टू प्रिपेयर रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर स्कूल फंक्शनिंग। नंबर 2 इज टू मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट द स्कूल फिनांसेस। नंबर 3 इज टू मेक अरेंजमेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग न्यू करिकुलम सिलेबस। पॉइंट 4 इज़ टू अरेंज वर्कशॉप फॉर टीचर्स। एंड 5 इज कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू बी आर सीज डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट फंक्शन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज, वाई इज़ रिफ्लेक्टिव टीचिंग इम्पॉर्टेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है एलिमेंट्री एजुकेशन में, वो आप लोग को लिखना है। सो यू कैन सी द आंसर। इन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस अ प्रैक्टिशनर्स एंगेजेस इन कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ इवेल्युएशन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड देयर ओन एक्शंस एंड द रिएक्शंस दे प्रॉम्प्ट इन देमसेल्व्स इन लर्नर्स। The goal of the reflective practice teaching is not necessarily to address a specific problem or question defined at the onset as in practitioner research, but to observe and refine practice in general on an ongoing basis. Engaging in reflective practice requires individuals to assume the perspective of an external observer in order to identify the assumption and feeling underlying their practice and then to speculate about how these assumptions and feeling affect practice. Zeichner and Liston, 1996, model of reflective teaching emphasizes 5 key features of a teacher as reflective practitioners. So these are, number 1, examines, frames and attempts to solve the dilemmas of classroom practice. Number 2 is aware of the questions, assumptions and values he, she brings to teaching. Number 3 is it attentive to the institutional and cultural context in which she teaches. Number 4 is takes part in the curriculum and development, takes responsibility. 5 is takes responsibility for his or her own professional development. So that is why reflective teaching is important in elementary education. तो ये गया आप लोग का आंसर, वाई इज रिफ्लेक्टिव टीचिंग इम्पॉर्टेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई इज इंक्लूसिव एजुकेशन इंपॉर्टेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन? सो आंसर इज मोर देन द डेवलप्ड कंट्रीज इंक्लूसिव एजुकेशन बियर्स इंपॉर्टेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज. प्रैक्टिसिंग इंक्लूसिव एजुकेशन वुड प्रूव बेनिफिशियल इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. द फर्स्ट वन इज द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज. Education is a resource intensive venture and has to compete against other demands of the country like healthcare, infrastructure, etc. There is therefore always a resource crunch for education in developed countries. Setting up schools for different groups of students would not be possible for these countries. Instead, using the limited resources for the benefits of all types of students would be a viable solution as it makes use of resources efficiently. Next point is cost effectiveness. Inclusive education is not only cost effective but also effective. Inclusion promises the enhancement not only of disabled but also of non-disabled learners. It thus achieves good education for all, taking care of individual differences among different learners. Next is decentralization. Practice of inclusive education encourages decentralization. Decentralization, as it is evident, allows national and local government to reduce spending on central management and administrative cost. तो ये था आप लोगों का आंसर, why is inclusive education important at elementary education. तो थोड़ा zoom करते हैं ताकि आप लोग लिख सकते हैं. आई होप आप लोग पोज मार के लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पीडीएफ से ही हम लोगों ने लिखा है तो डोंट वरी, एंड यू कैन लर्न फ्रॉम हियर ऑल्सो. ओके सो नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 19. राइट डाउन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ऑफ UEE एज स्टेटेड इन NPE 1986. तो अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है क्या, तो थोड़ा हम लोगों ने पहले इसको डिस्क्राइब कर दिया. द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज अ स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1986 एज पर रिकमेंडेशन प्रोड्यूस्ड बाय NPE 1986. द सैलिएंट फीचर्स ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ऑफ UEE हैज स्टेटेड इन NPE 1986 आर एज फॉलोज. द नंबर वन इज टीचर्स विल बी ट्रेन टू यूज OB टीचिंग मशीन. So point one is teachers will be trained to use OB teaching materials under a specially designed teacher training program. Number two is state government are to make provision for breakage and replacement of equipments. Number three is enough flexibility will be provided to purchase of teaching learning materials relevant to curriculum and the local needs. Next point is at least 50% of the teacher appointed will be women. This will have a positive impact on girls' enrollment and retention. Whenever micro-planning projects are taken up, OB will form an integral part of micro-planning. तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, तो आप लोग लिख लीजिए. ओके नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 20. स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ बेसिक एजुकेशन एज गिवन इन व्हाट द स्कीम ऑफ 1937. द मेन फीचर्स ऑफ व्हाट द स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन आर एज फॉलोज. द एंटायर एजुकेशन इज टू बी इम्पार्टेड थ्रू सम इंडस्ट्री और vocation with a basic craft as the center of instruction. The idea is not to teach some handicraft along with liberal education, but education integrated with the handicraft is to be imparted through Samavaya integration method. It is a work-centric education. Next move to point two. Education is to be self-supporting to the extent of covering teachers' salaries and aim at making people self-supporting after the completion of this course. Point 3. Every individual should learn to earn his living through manual work in life. Hence, education through manual labor is insisted. It is also considered non-violent since an individual does not snatch away the living of others. Point 4 is learning is closely coordinated with home, community and the child's life activities as well as village crafts and occupation. You can see question number 20. ओके तो आज हम लोगों ने जो 501 सैम्पल क्वेश्चन का 501 का सेक्शन बी था, क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक कंप्लीट हो चुका है. तो हम लोग नेक्स्ट सी लेकर आएंगे,
बट हम लोग सी जो है सेक्शन सी ऑफ 501, 502 एंड 503 वो हम एकदम एंडिंग में देंगे. तो पहले हम सेक्शन ए ऑफ 501, 502, 503 एंड सेक्शन बी ऑफ 501, 502 एंड 503 वो पहले हम लोग प्रोवाइड करेंगे आप लोगों को, क्योंकि ये सब थोड़ा ईजी है तो आप लोग जल्दी जल्दी ग्रैप कर सकते हैं. सी थोड़ा लेंदी है तो हम लोग बना रहे हैं, टाइम लगेगा. तो हम लोग 501-3 का सेक्शन ए बी पहले आप लोगों को दे देंगे, उसके बाद सी देंगे. तो फॉर दैट स्टे कनेक्टेड टू आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियोस. तो चलिए इसी के साथ ही आज हम इस वीडियो को कंप्लीट यहाँ पे समाप्त करते हैं. तो बाय.